नमस्कार साथियों, तो चलिए आज की इस क्लास में हम जानते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक भारत नेपाल संबंध के बारे में। आप सभी लोग देख रहे होंगे कि अभी चर्चा भारत नेपाल के संबंधों की बन दिख रही है। तो इसमें देखेंगे कि आखिर किस संदर्भ में अभी चर्चा में है भारत नेपाल संबंध, और भारत नेपाल संबंधों की पृष्ठभूमि क्या रही है उसे भी देख लेंगे। भारत नेपाल शांति और मित्रता संधि क्या है उस पर भी बात करेंगे, और भारत और नेपाल के बीच सहयोग के क्षेत्र क्या क्या हैं उन्हें भी देखेंगे, और जो भारत और नेपाल के बीच विवाद के बिंदु हैं उन्हें भी देखेंगे, और क्या बिगड़ते रिश्ते में भारत की भी भूमिका है उसे भी देख लेंगे, और नेपाल पर चीन का क्या प्रभाव है उसे भी हम बात करेंगे, और भारत के लिए नेपाल का महत्व क्या है, यानी कि भारत नेपाल को इतना महत्व क्यों देता है, कुछ जरूरी होगा ना, तो उसे भी देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए हम लोग मैप्स देखते हैं नेपाल का। तो ये आपकी प्यारी पृथ्वी हो गई, इसमें ये हमारा प्यारा भारत हो गया। ठीक है, देखिए ये आपका श्रीलंका है, ये आपका म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान, ऊपर चीन है, ये पाकिस्तान, ये अफगानिस्तान, ये है आपका नेपाल। देखिए ठीक है, इससे आपकी सीमा किन किन राज्यों की लगती है, कई बार पूछ लेता है क्वेश्चन, तो याद रखिए उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, उसके बाद बिहार, पश्चिम बंगाल, किसकी, पश्चिम बंगाल की भी लगती हो, और सिक्किम की, यानी कि पांच राज्यों की सीमा आपकी नेपाल से लगती है। ठीक है, और बफर स्टेट के रूप में है भारत और चीन के बीच नेपाल आपका, जिस तरह से आप देख सकते हैं रूस और चीन के बीच आपका मंगोलिया है, उसी तरह नेपाल चीन और भारत के बीच है। नेपाल की राजधानी आप देख सकते हैं काठमांडू है, यहाँ की राजभाषा है नेपाली। ठीक है, और प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री कौन है, खड़क प्रसाद ओली। ठीक, और अगर हम लोग राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति है आपकी विद्या देवी भंडारी। तो ठीक है, ये आपका मैप्स, चलते हैं हम लोग आगे। देखिए अभी विवाद कहाँ बना हुआ है, ये दिख रहा है, ये है आपका जो नया मैप जारी किया हुआ है आपके नेपाल ने। देखिए यहाँ जो गोला दिख रहा है आपको रणचिन्ह से, यही आपका, ठीक है, ये विवाद का हिस्सा बना हुआ है। तो चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। जैसा कि पता होगा आपको, हाल ही में भारत के लिए स्थिति उस समय असहज हो गई जब कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए भारत द्वारा लिपुलेख धारा चूला मार्ग के उद्घाटन करने के बाद नेपाल ने इसे एकतरफा गतिविधि बताते हुए आपत्ति जताई। जैसा कि आपको पता होगा सुकू कि कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए हमारे यहाँ के व्यक्ति जाते हैं, तो अभी जो मार्ग का उद्घाटन हुआ लिपुलेख धारा चूला मार्ग से, तो इसके निर्माण होने के बाद 6 दिन की कमी आ जाएगी, यानी कि अभी जितना समय लगता था उसमें से 6 दिन घटा दिए जाएंगे, इतना समय की बचत होगी, क्योंकि या तो हमें नेपाल से जाना पड़ता था या फिर सिक्किम होकर जाना पड़ता था। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने यह दावा किया कि महाकाली नदी के पूर्व का क्षेत्र नेपाल की सीमा में आता है। विदित है कि नेपाल ने आधिकारिक रूप से नवीन मानचित्र जारी किया जो उत्तराखंड के कालापानी, लिम पियाधुरा और लिपुलेख को अपने संप्रभु क्षेत्र का हिस्सा मानता है। निश्चित रूप से नेपाल की इस प्रकार की प्रतिक्रिया ने
भारत को अचंभित कर दिया। इतना ही नहीं, नेपाल के प्रधानमंत्री, यहाँ एक शब्द याद रखिए, नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने नेपाल में कोरोना वायरस के प्रसार में भारत को दोष देकर दोनों देशों के बीच संबंधों को तनावपूर्ण कर दिया। जब किसी देश का प्रधानमंत्री वक्तव्य देता है कि चीन और इटली से भयानक वायरस भारत हमारे लिए खतरा है, तो आप समझ सकते हैं। एक वो सॉन्ग भी है, आपने सुना होगा, कि दुश्मन ना करे वो दोस्त ने काम किया। तो देखिए, अभी तक पाकिस्तान ने कोई ऐसा बयान नहीं दिया कि भारत की तरफ से हमारे यहाँ कोरोना वायरस फैला है, लेकिन चीन ने भी ऐसा कुछ नहीं कहा, श्रीलंका ने भी ऐसा कुछ भी नहीं कहा, बांग्लादेश ने भी कुछ नहीं कहा। लेकिन जिसे नेपाल हम लोग रोटी बेटा रोटी बेटी का संबंध के मानते हैं, उसी ने आखिर इस तरह का वक्तव्य दिया। सभी को हम लोगों ने वैक्सीन बेची है, यानी कि उन्हें पैसे में दिए, लेकिन नेपाल को गिफ्ट के रूप में वैक्सीन दी, यहाँ कोरोना वायरस ना फैले। मतलब हम अपनी तरफ से अच्छा कर रहे हैं नेपाल के साथ, फिर भी नेपाल ने इस तरह का वक्तव्य दिया। ठीक है, तो आप लोग कई बार अपनी असल जिंदगी में देखते हैं कि जिससे आपकी बुराई होती है, कभी कभी वो हमसे बदला नहीं लेता है, लेकिन जिसे हम अपना करीबी मानते हैं वही हमसे हमारा बुरा कर बैठता है। तो इसी तरह आपका नेपाल है। वस्तुतः इसे चीनी जादू कहा जाए या फिर नेपाल की कूटनीतिक चाल के पिछले कुछ वर्षों से लगातार भारत को परेशान करने की कोशिश हो रही है। भारत इन सभी कोशिशों को नेपाल की चीन से बढ़ती नजदीकी के रूप में देख रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि क्या भारत और नेपाल के बीच सदियों पुराने रिश्ते पर चीनी चाल भारी पड़ रही है, या फिर यह मान लिया जाए कि हालिया दिनों में नेपाल जरूरत से ज्यादा महत्वाकांक्षी बन गया है और भारत उसकी आकांक्षाओं पर खरा नहीं उतर रहा है। यानी कि आप समझ सकते हैं क्या होता है कि जब भी नेपाल को भारत से कुछ जरूरत पड़ती है या कोई काम करवाना पड़ता है तो वो चीन की तरफ जाने लगता है, तो भारत के लिए जरूरी हो जाता है कि उसका काम कर दिया जाए, और जब चीन से उसे कुछ काम करवाना होता है तो वो भारत की ओर झुकना शुरू कर देता है, तो चीन उसका काम कर देता है। और एक और अभी नेपाल की मजबूरी है, क्या मजबूरी है, क्योंकि कब जब आपने देखा होगा या तो स्थानीय मुद्दा उठने लगता है या फिर चुनाव आता है, तो क्या होता है कि हमारे किसी भी देश के नेता राष्ट्रीय मुद्दा उठाने लगते हैं। जैसे ही राष्ट्रीय मुद्दा उठाते हैं, जो निचला स्थानीय मुद्दा होता है वो दब जाता है, और जो राष्ट्रीय पार्टी होती उसे इसका फायदा होता है। आप देख सकते हैं कि अपने यहाँ ये देख लीजिए सीधी बात, कि जैसे ही चुनाव का टाइम आया, स्थानीय मुद्दे उठने लगे, हमारी सरकार ने एक स्ट्राइक कर दी पाकिस्तान पर। स्थानीय मुद्दे भूल गए लोग, अब देशभक्ति की तरफ इकट्ठे हुए, क्योंकि हर व्यक्ति देशभक्ति को पहले स्थान पर रखता है, स्थानीय मुद्दों को लास्ट में। ठीक है, समझ सकते हैं आप। आगे देखते हैं भारत नेपाल संबंधों की पृष्ठभूमि। नेपाल भारत एक महत्वपूर्ण पड़ोसी है और सदियों से चले आ रहे भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक संबंधों के कारण वह हमारी विदेश नीति में विशेष महत्व भी रखता है। भारत नेपाल हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म के संदर्भ में समान संबंध साझा करते हैं। उल्लेखनीय है कि बौद्ध का जन्म स्थान लुम्बिनी नेपाल में है और उनका निर्वाण स्थान कुशीनगर भारत में, यानी कि पैदा हुए थे बुद्ध साहब नेपाल में और उनकी मृत्यु हुई थी भारत में कुशीनगर उत्तर प्रदेश में। वर्ष 1950 में भारत नेपाल शांति और मित्रता संधि दोनों देशों के बीच मौजूद विशेष संबंधों का आधार है। अभी आप रोटी बेटा बेटी का रिश्ता इसलिए कहते हैं क्योंकि अभी भी आपके यहाँ के कई लोगों की शादी नेपाल में होती है, नेपाल के कई लोगों की शादी इंडिया में होती है, समझ सकते हैं आप लोग। आपने देखा होगा कि आसानी से आ भी सकते हैं आप लोग नेपाल, ज्यादा परेशानी भी नहीं होती। बात करते हैं भारत नेपाल शांति और मित्रता संधि।
यह भारत और नेपाल के मध्य द्विपक्षीय संधि है, जिसका उद्देश्य दोनों दक्षिण एशियाई पड़ोसी देशों के बीच घनिष्ठ रणनीतिक संबंध स्थापित करना है। यह संधि दोनों देशों के बीच लोगों और वस्तुओं की मुक्त आवाजाही और रक्षा और विदेशी मामलों के बीच घनिष्ठ संबंध तथा सहयोग की अनुमति देती है। साथ ही यह संधि नेपाल को भारत से हथियार खरीदने की सुविधा भी देती है। इस संधि के द्वारा नेपाल को एक भू आबद्ध यानी कि लैंडलॉक देश होने के कारण कई विशेष अधिकार को प्राप्त करने में सक्षम बनाता है, यानी कि नेपाल की सीमा किसी भी महासागर से नहीं लगती है। ठीक है, ये सभी तरफ से स्थलबद्ध है, भूमि से घिरा हुआ है। भारत नेपाल की खुली सीमा दोनों देशों के संबंधों में की विशेषता है, जिससे दोनों देशों के लोगों को आवागमन में सुगमता रहती है। दोनों देश के बीच 1850 कितनी 1850 किलोमीटर से अधिक लंबी साझा सीमा है, जिससे भारत के 5 राज्य सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड जुड़े हुए हैं, जो हम लोगों ने मैप में देख लिए थे। भारत नेपाल के बीच सीमा को लेकर कोई बड़ा विवाद नहीं है। लगभग 98% सीमा की पहचान और उसके नक्शे पर सहमति बन चुकी है। कुछ क्षेत्रों को लेकर विवाद है, जिसे बातचीत के माध्यम से सुलझाने की प्रक्रिया चल रही है। आप लोग समझ सकते हैं कि जितने भी हमारे पड़ोसी देश हैं, लगभग हमारा उनसे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, सीमा को लेकर ही विवाद है। मेरा मानना है कि इसे एक बार में पूरा खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं और कोई हम लोगों के बीच विवाद का कोई कारण नहीं है, सिर्फ एकमात्र कारण है सीमा। पाकिस्तान से हो, फिर चाहे चीन से हो, फिर आपका बांग्लादेश से हो, अभी बांग्लादेश से हमारी सीमा का विवाद खत्म हो गया है बहुत अच्छे तरीके से। ठीक, अगर हम लोग नेपाल और भारत के बीच सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों की बात करें तो इसमें सांस्कृतिक व धार्मिक क्षेत्र। नेपाल और भारत दुनिया के दो प्रमुख धर्मों हिंदू और बौद्ध धर्म के विकास के आसपास एक सांस्कृतिक इतिहास साझा करते हैं। बुद्ध का जन्म वर्तमान नेपाल में स्थित लुम्बिनी में हुआ। बाद में बुद्ध ज्ञान की खोज में वर्तमान भारतीय क्षेत्र बोधगया आए, जहां उन्हें आत्मज्ञान प्राप्त हुआ। बोधगया से महात्मा बौद्ध और उनके अनुयायियों ने विश्व के कोने कोने तक बौद्ध धर्म का प्रसार किया। भारत नेपाल दोनों ही देशों में हिंदू व बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। रामायण सर्किट की योजना दोनों देशों के मजबूत सांस्कृतिक व धार्मिक संबंधों का प्रतीक है। फिर आपका सामाजिक क्षेत्र। भारत नेपाल खुली सीमा दोनों देशों के संबंधों की विशिष्टता है, जिससे दोनों देशों के लोगों को आवागमन में सुगमता रहती है। दोनों देशों के नागरिकों के बीच आजीविका के साथ साथ विवाह और पारिवारिक संबंधों की मजबूत नींव है। इस नींव को ही रोटी बेटी का रिश्ता नाम दिया गया है। किसका? रोटी बेटी का। जिस तरह चीन से भाई भाई का, उसी तरह चीनी हिंदू भाई भाई। फिर आपका आर्थिक क्षेत्र। भारत नेपाल का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार होने के साथ साथ विदेशी निवेश का सबसे बड़ा स्रोत भी है। भारत नेपाल को अन्य देशों के साथ व्यापार करने के लिए पारगमन सुविधा भी प्रदान करता है। नेपाल अपने समुद्री व्यापार के लिए कोलकाता बंदरगाह का उपयोग करता है। भारतीय कंपनियां नेपाल में विभिन्न आर्थिक गतिविधियों में संलग्न हैं। इन कंपनियों की नेपाल में विनिर्माण, बिजली, पर्यटन और सेवा क्षेत्र में उपस्थिति है। अवसंरचना विकास क्षेत्र। भारत सरकार नेपाल में जमीनी स्तर पर बुनियादी ढांचे के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करते हुए समय समय पर विकास सहायता प्रदान करती है। इसमें बुनियादी ढांचे में स्वास्थ्य हो गया आपका, जल संसाधन, शिक्षा, ग्रामीण और सामुदायिक विकास जैसे मुद्दे शामिल हैं। फिर आपका रक्षा सहयोग क्षेत्र। द्विपक्षीय सहयोग रक्षा सहयोग के तहत उपकरण और प्रशिक्षण के माध्यम से नेपाल की सेना का आधुनिकरण शामिल है। भारतीय सेना की गोरखा रेजिमेंट ने नेपाल के पहाड़ी इलाकों से भी युवाओं की भर्ती की जाती है। भारत
वर्ष 2011 से नेपाल के साथ प्रति वर्ष सूर्य किरण नाम से संयुक्त सैन्य अभ्यास करता आ रहा है। फिर आपका आपदा प्रबंधन, नेपाल में अक्सर भूकंप, भूस्खलन, हिमस्खलन, बादल फटने और बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं का खतरा रहता है। ऐसा मुख्य रूप से भौगोलिक कारकों के कारण होता है, क्योंकि नेपाल एक प्राकृतिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र में स्थित है। भारत आपदा से संबंधित ऐसे किसी भी मामले में कर्मियों के सहायता के साथ साथ तकनीकी और मानवीय सहायता भी प्रदान करता है नेपाल को। संचार क्षेत्र, नेपाल एक भू आबद्ध देश है जो तीन तरफ से भारत से और एक तरफ तिब्बत से घिरा हुआ है। भारत नेपाल ने अपने नागरिकों के मध्य संपर्क बढ़ाने और आर्थिक वृद्धि एवं विकास को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कनेक्टिविटी कार्यक्रम शुरू किए हैं। हाल ही में भारत के रक्सौल को काठमांडू से जोड़ने के लिए इलेक्ट्रिक रेल ट्रैक बिछाने हेतु दोनों सरकारों के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। आप समझ सकते हैं, इतना सहयोग का क्षेत्र होने के बाद भी इस तरह के वक्तव्य देना वो किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष को अच्छा नहीं लगता है। अब आप सोचिए कि आपके पीएम, हमारे प्रधानमंत्री, उल्टे सीधे वक्तव्य देने लगे, शोभा देगा, तो इसी तरह नेपाल के प्रधानमंत्री को ये शोभा नहीं दिया। देख सकते हैं विवाद के बिंदु हैं। देखिए, जो अभी नया इन्होंने मानचित्र जारी किया, इसमें काला पानी को अपने में दिखा दिया, यहाँ देखिए। और अभी उससे पहले आपका जम्मू कश्मीर को दो भागों में बांटा गया, लद्दाख और जम्मू कश्मीर, तब भारत ने भी एक नया मानचित्र जारी किया था। इसमें आपका काला पानी, लिम्पिया दूरा और लिपु लेक को भारत में दिखाया गया था, और भारत ने जारी किया तो उसे अपने में दिखा दिया। भारत व नेपाल के मध्य हालिया विवाद का कारण उत्तराखंड के धारचूला को लिपु लेक दर्रे से जोड़ती एक सड़क है। नेपाल का दावा है कि काला पानी के पास पड़ने वाला यह क्षेत्र नेपाल का हिस्सा है, और भारत ने नेपाल से वार्ता किए बिना इस क्षेत्र में सड़क निर्माण का कार्य किया है। नेपाल द्वारा आधिकारिक रूप से नेपाल का नवीन मानचित्र जारी किया गया, जो उत्तराखंड के काला पानी, लिम्पिया दूरा, लिपु लेक को सबसे संप्रभु क्षेत्र का हिस्सा मानता है। नेपाल ने संबंध में वर्ष 1816 में, याद रखिए इस संधि को, सुगोली संधि का जिक्र किया है। नेपाल के विदेश मंत्रालय के अनुसार सुगोली संधि 1816 के तहत काली यानी कि महाकाली नदी के पूर्व सभी क्षेत्र, जिनमें आपका लिम्पिया धुरा, काला पानी हो गया, लिपु लेक हो गया, ये सभी क्षेत्र शामिल हैं और नेपाल का अभिन्न अंग भी है। एंग्लो नेपाली युद्ध के पश्चात 1816 में नेपाल और ब्रिटिश भारत द्वारा सुगोली की संधि हस्ताक्षरित की गई थी। उल्लेखनीय है कि सुगोली संधि में महाकाली नदी को नेपाल की पश्चिमी सीमा के रूप में परिभाषित किया गया। नेपाल सरकार के अनुसार बीते वर्ष जम्मू कश्मीर के विभाजन के पश्चात भारत सरकार द्वारा प्रकाशित नए मानचित्रों में भिन्नता से स्पष्टता कि भारत द्वारा इस मानचित्र में छेड़छाड़ी की गई। अब बात करते हैं, क्या बिगड़ते रिश्तों में भारत की भी भूमिका है, यानी कि आपके रिश्ते किसी से खराब होते हैं तो उसमें आपका भी योगदान है या फिर सामने वाले की गलती है, तो उसे भी देख लेते हैं। नवंबर 2019 को भारत ने एक नवीन मानचित्र विकसित किया था जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में दर्शाता है। इसी मानचित्र में काला पानी को भी भारतीय क्षेत्र के रूप में दर्शाया गया। इस मानचित्र ने भारत नेपाल के बीच पुराने विवादों में नई जान डाल दी। भारतीय फिल्मों में नेपाली महिलाओं को लेकर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी ने भी नेपाल ने नाराजगी व्यक्त की। नेपाल वर्ष 2017 में चीन की वन बेल्ट वन रोड परियोजना में शामिल हुआ, परंतु भारत नेपाल पर इस परियोजना में शामिल ना होने का दबाव डाल रहा था। भारत द्वारा इस प्रकार का दबाव डालना नेपाल को रास नहीं आया, और इस घटना ने भारत को विग विरदर वाली छवि को स्थापित
कर दिया, यानी कि भारत बड़ा भाई है और नेपाल छोटा। दोनों देशों के संबंधों में कड़वाहट तब आई जब सितंबर 2015 में नेपाली संविधान अस्तित्व में आए, लेकिन भारत द्वारा नेपाली संविधान का उस रूप में स्वागत नहीं किया गया जिस रूप में नेपाल को आशा थी। इसी तरह नवंबर 2015 में जेनेवा में भारतीय प्रतिनिधि द्वारा नेपाल में राजनीतिक फेरबदल को प्रभावित करने के लिए मानवाधिकार परिषद के मंच का कठोरतापूर्वक उपयोग किया गया, जबकि इससे पहले तक नेपाल के आंतरिक मुद्दों को लेकर भारत द्वारा कभी भी खुलकर कोई टिप्पणी नहीं थी। भारत का रूप मधेशियों को नेपाल में नागरिकता का अधिकार दिलाना था। इनमें लाखों मधेशियों ने वर्ष 2015 में नागरिकता को लेकर व्यापक आंदोलन चलाया नेपाल। नेपाल सरकार का ऐसा आरोप है कि मधेशियों के समर्थन में भारत सरकार ने उस समय नेपाल की आर्थिक घेराबंदी भी की थी। आपने देखा होगा, ये आपका 2015 का मामला है। अगर हम लोग नेपाल पर चीन के प्रभाव की बात करें, गौरतलब है कि चीन का प्रभाव दक्षिण एशिया में लगातार बढ़ रहा है। नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, हर जगह चीन की मौजूदगी बढ़ी है। ये सभी देश चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव परियोजना में शामिल हो गए हैं, लेकिन भारत इस परियोजना में के पक्ष में नहीं है। क्या है? भारत इस योजना के पक्ष में नहीं है। नेपाल में चीन के बढ़ते दखल के बाद पिछले कुछ समय में से भारत नेपाल के बीच संबंधों में पहले जैसी गर्मजोशी देखने को नहीं मिल रही है। चीन ने इसका पूरा पूरा लाभ उठाते हुए नेपाल में अपनी स्थिति और मजबूत की है। नेपाल के कई स्कूलों में चीनी भाषा मंदारिन को पढ़ना भी अनिवार्य कर दिया गया। नेपाल में इस भाषा को पढ़ाने वाले शिक्षकों के वेतन का कर्जा भी चीन की सरकार उठाने के लिए तैयार हो गया। चीन नेपाल में ऐसा बुनियादी ढांचा तैयार करने की परियोजनाओं पर काम कर रहा है जिन पर भारी खर्च आता है। बात करते हैं भारत के लिए नेपाल का की महत्व क्या है। नेपाल की अहमियत इस वजह से भी ज्यादा है हमारे लिए कि पीएम मोदी के सत्ता में आने के बाद पहले पड़ोसी पड़ोस की नीति के मद्देनजर नेपाल उनकी शुरुआती विदेशी दौरों में से एक था, जबकि इससे पहले आखिरी बार वर्ष 1997 में नेपाल के साथ भारत की कोई द्विपक्षीय वार्ता हुई थी। मौजूदा सरकार ने नेपाल सरकार के साथ कई महत्वपूर्ण समझौते भी किए हैं, जिसमें आपका कृषि, रेलवे संबंध, अंतरदेशीय जलमार्ग विकास सहित कई द्विपक्षीय समझौतों पर सहमति भी बनी है। इनमें बिहार के रक्सौल और काठमांडू के बीच सामरिक रेलवे लिंक का निर्माण किया जाएगा, ताकि लोगों के बीच संपर्क तथा बड़े पैमाने पर माल के आवागमन को सुविधाजनक बनाया जा सके। इसके अलावा मोतिहारी से नेपाल के बीच अमलेखगंज तक दोनों देशों के बीच वायल पाइपलाइन बिछाने पर भी हाल ही में सहमति बनी हुई। ये क्वेश्चन आपका यूपीपीसीएस में शायद आया हुआ था, या फिर आईएएस में, यूपीपीसीएस में आया था। नेपाल का दक्षिण क्षेत्र भारत की उत्तरी सीमा से सटा हुआ। भारत और नेपाल के बीच रोटी बेटी का रिश्ता माना जाता है। बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के साथ नेपाल के मधेशी समुदाय का सांस्कृतिक एवं निजातीय संबंध भी रहा है। दोनों देशों की सीमाओं से यातायात पर कभी कोई विशेष प्रतिबंध नहीं रहा है। सामाजिक और आर्थिक विनिमय बिना किसी गतिरोध के चलता रहा है। भारत नेपाल की सीमा खुली हुई है और आवागमन के लिए किसी पासपोर्ट या वीजा की जरूरत नहीं पड़ती है। यह उदाहरण कई मायनों में भारत नेपाल की नजदीकी को दर्शाता है। इन सब के बावजूद अब आगे की राह क्या हो सकती है, उसे भी देख लेते हैं। नेपाल सरकार ने स्पष्ट किया है कि वह दो देशों के मध्य घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण संबंधों की भावना को ध्यान में रखते हुए ऐतिहासिक संधि दस्तावेजों, तथ्यों और नक्शों के आधार पर सीमा के मुद्दों का कूटनीतिक हल प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है।
भारत को भी अपनी विदेश नीति की समीक्षा करने की भी जरूरत है। भारत को नेपाल के प्रति अपनी नीति दूरदर्शी बनानी होगी। जिस तरह से नेपाल में चीन का प्रभाव बढ़ रहा है, उससे भारत को अपने पड़ोस में आर्थिक शक्ति का प्रदर्शन करने से पहले रणनीतिक लाभ हानि पर विचार करना होगा। भारत और चीन के साथ नेपाल एक आजाद सौदागर की तरह व्यवहार कर रहा है। चीनी निवेश के सामने भारत की चमक फीकी पड़ रही है, लिहाजा भारत को कूटनीतिक सूझबूझ का परिचय देना होगा। तो आशा करता हूँ ये थी आपके भारत नेपाल संबंध से संबंधित सभी सवालों के जवाब आप सभी के जवाब मिल गए होंगे।